हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टेली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने अपने ERP प्लस फीचर में ईमेलिंग सेक्शन में दो फीचर्स की बात की थी, एक तो ऑटो ईमेलिंग और एक ईमेल आफ्टर सेविंग वाउचर। आज भी हम अपने ईमेलिंग सेक्शन के अंदर ही एक नए फीचर की बात करेंगे, जिसका नाम है ऑटो ईमेलिंग फॉर सेलेक्टेड लेजर रिपोर्ट्स। इसका यूज़ ये है, सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मंथ के एंड में या कभी भी अपने जो टोटल नंबर ऑफ डेटर्स मेरे हैं या क्रेडिटर्स मेरे हैं, तो इनको मैं एक ही बार में सारे अपने नंबर ऑफ डेटर्स को उनकी आउटस्टैंडिंग मेल करना चाहता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली अभी मुझे पर्टिकुलर एक एक लेजर में जाके ही उनकी आउटस्टैंडिंग में उनको मेल कर सकता हूँ। बट इस फीचर के थ्रू मैं एक ही बार में जितने भी मेरे नंबर ऑफ डेटर्स हैं, एक ही बार में उनको सेलेक्ट करके और उनकी आउटस्टैंडिंग उनको मेल कर सकता हूँ। वो कैसे, ये मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है ERP प्लस फीचर्स, यहाँ पे आपने जाना है ईमेलिंग एंड ऑटोमेशन फीचर्स। इसमें थर्ड ऑप्शन अलाउ ऑटो ईमेलिंग फॉर सेलेक्टेड लेजर रिपोर्ट्स, इस ऑप्शन को करना है आपने यस। इस ऑप्शन को सेव करने के बाद अब अगर मैं अपनी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट ग्रुप वाइज देखूं, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं अपने डेटर्स की रिपोर्ट और मैं चाहता हूं कि यहीं से अब इन सारी पार्टीज को मैं इनकी आउटस्टैंडिंग मेल कर दूं, तो अभी तो मेरी सिर्फ ये लिमिटेड यहाँ पे पार्टी दिखाई है। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टीज चाहे जितने भी हो, आप सबको स्पेस बार से सेलेक्ट कीजिए और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ईमेल सेलेक्टेड का, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये ईमेल से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन ओपन करता है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देगा ईमेल रिपोर्ट बिल वाइज भेजना है या लेजर अकाउंट भेजना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे बिल वाइज डिटेल इनके आउटस्टैंडिंग में भेजनी है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करके मेल हो जाएगा फॉरवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीमेशन एक आपके पास आ जाएगी, अभी जैसे मैंने दो पार्टियों को उनका आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ पे टू ईमेल हैज़ बीन सेंड, इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। आप यहाँ पे जितने भी पार्टीज आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको यहीं से उनकी आउटस्टैंडिंग मेल हो जाएगी। तो मेल अगर मैं चेक करूं, आप देखेंगे दोनों मेल आईडीज पे मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरी आउटस्टैंडिंग का मेल आ गया है। तो ये बेनिफिट है इस फीचर का, अगर आपके नंबर ऑफ डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि मंथ के एंड में एक ही बार में उन सबको उनकी आउटस्टैंडिंग को मेल करना, तो काफ़ी यूज़फुल ये टूल, बहुत आपका टाइम सेव करता है और ईजिली आप सारी पार्टीज़ को उनकी आउटस्टैंडिंग आप एक ही बार में मेल कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन इफ यू लाइक अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।